वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे सारे श्रोतियां नूं सत श्री अकाल। रोजाना बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पेशन पंजाब भारत अते संसार भर तों अज दीआं मुख खबरां। दुनिया भर च कोरोना नाल प्रभावित लोगों की गिनती 24,06,823 तक पहुँच गई है। 165,054 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वैबसाइट वेल्डोमीटर अनुसार अमरीका 763,832, स्पेन 198,674, इटली 178,972, फ्रांस 152,894 के सामने आए हैं। अमरीका 40,553, स्पेन 20,453, इटली 23,660, फ्रांस 19,718, चीन 4,632 लोगों की मौत हुई है। इस समय अमरीका इस नाल सब तो प्रभावित देश है। इत्थे पिछले 24 घंटियां 1400 तो वध लोगों की मौत हो गई है। हालांकि घट्टो घट 71,003 मरीज सेहतमंद हो गए हैं। देश च कोरोना वायरस की गिनती लगातार वधदी जा रही है। सेहत मंत्रालय मुताबिक देश में हुण तक कोविड-19 के कुल 17,656 मामले सामने आए हैं अते 559 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सेहत मंत्रालय ने कहा है कि भारत च कोरोना केस की ड्रॉपिंग दर में सुधार होया है अते इसनों 7.5 दिन होए हैं। यह दर लॉकडाउन तो 3.4 दिन पहला सी। लॉकडाउन का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। 20 अप्रैल देश से लॉकडाउन का 27वां दिन से। देश के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में सब तो वध मामले सामने आए हैं। इत्थे 4,203 लोग कोरोना की लपेट च हैं। इन्हां चों 507 लोग ठीक हो चुके हैं अते 223 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश 722, अंडेमान निकोबार 15, अरुणाचल प्रदेश 1, असाम 35, बिहार 96, चंडीगढ़ 26, छत्तीसगढ़ 36, दिल्ली 2,003 गोवा 7 मामले सामने आए। जबकि हुण गोवा के सारे मरीज ठीक हो गए हैं। इस दे नाल ही मणिपुर से गोवा कोरोना मुक्त हो गए हैं। इस दौरान मुंबई तो आई खबर सबनों हैरान कर रही है। मुंबई च 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई च सिर्फ एक दिन की रिपोर्ट च 53 मीडियाकर्मी कोरोना की चपेट च आ गए हैं। मीडिया कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने नाल देश भर के मीडिया अदारियों च हलचल मच गई है। कोरोना नाल प्रभावित मीडिया परसन च टीवी रिपोर्टर, कैमरामैन अते प्रिंट फोटोग्राफर शामिल हैं। हैरान की गल यह है कि 99% लोगों से कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। पंजाब विच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। जलंधर विच अज एक होर मामला कोरोना पॉजिटिव का आया है। यह व्यक्ति मखदूमपुरा का रहने वाला है। इस दे नाल ही जलंधर विच कुल मामले 48 हो गए हैं। दसिया जा रहा है कि उस संस्था नाल संबंध रखता है जिथों के कल 5 केस पॉजिटिव आए हैं। हुण इको संस्था के 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाण नाल शहर विच दहशत दा माहौल है। कोरोना वायरस वर्गी जानलेवा बीमारी जेकर हो जाए तो मानसिक तनाव होना जाहिर जी गल है। अजिहे च जलंधर तो आई इस खबर बारे पढ़ के किसी भी मरीज का मनोबल वधेगा। कोरोना मरीज सिविल अस्पताल के ट्रोमा वार्ड से जोश ते जोश नाल भरे हुए सन। मरीजा ने भंगड़ा पा के तनाव नूं दूर किया। वार्ड से जो पंजाबी गाना असी जित्तांगे जरूर जंग जारी रखियो वजाया गया तो हर किसी के चेहरे पर कोरोना का डर गायब हो गया। दरअसल मरीजा नूं मानसिक तौर पर मजबूत करने लई एतवार नूं जिला प्रशासन वालों आइसोलेशन वार्ड से टैलीविजन का प्रबंध किया गया है। उन्होंने वार्ड से टैलीविजन से पंजाबी गाने बजाए ता जो हर किसी के तनाव तो मुक्त होने लई खुशी का माहौल बनाया जा सके। इसका वीडियो सोशल मीडिया से भी वायरल हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन से सेहत विभाग वालों मरीजों के इलाज लई पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने पूरा विश्वास है कि सारे मरीज कोरोना को हरा देंगे ते ठीक होकर घर परत आएंगे। कोरोना नाल लड़ाई लिए केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन वधा दिता है। अजिहे विच सरकार अज तो कुछ जरूरी सेवावां दी इजाजत देन जा रही है।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 2.0 ਦੌਰਾਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। माल ढुआई हवाई रेल सड़की ते समुद्री मार्गा राही मालवाहक वाहनां 6 दो ड्राइवरां ते एक सहायक वस्तां नूं लियाउण लै जाण लई जरूरी वस्तां दी सप्लाई लड़ी जिस विच मैनुफैक्चरिंग होलसेल रिटेल दीआं दुकानां ते गड्डियां शामिल। हाईवे ते ढाबे ट्रक रिपेयर दीआं दुकानां दे नाल जरूरी सेवावां 'च लगे मुलाजमां ते कामियां दी आवाजाई। मेडिकल एमरजेंसी सेवावां 'च लगे वाहन ते लाजमी वस्तां खरीदण लई चौपहिया वाहन होण ते एक शख्स ड्राइवर दे पिछे बैठण दी इजाजत। दो पहिया वाहन दी स्थिति 'च सिर्फ एक व्यक्ति नूं इजाजत होवेगी। ऑनलाइन विद्यक सेवावां जिन्हां विच एजुकेशन ट्रेनिंग ते कोचिंग शामिल। मनरेगा कारजां 'च खेतीबाड़ी ते जल बचाउण नूं तरजीह। किरतियां नूं फेस मास्क ते शरीरक दूरी दी पालना करनी पवेगी। ऊर्जा डाक सेवावां पानी स्वच्छता कूड़ा प्रबंधन समेत टेलीकॉम ते इंटरनेट सेवावां। हस्पताल नर्सिंग होम टेलीमेडिसिन सहूलतां डिस्पेंसरी सारे सेहत मुलाजमां दी आवाजाई विज्ञानिक नर्सां पैरामेडिकल स्टाफ लैब टेक्नीशियन। RBI ते RBI रेगुलेटेड वित्तीय बाजार ते संबंधित सेवावां बैंक ATM बैंकिंग गतिविधियां लई IT नाल जुड़े लोक। बच्चियां दी विहंगा बजुर्गां लई घर जिन्हां विच देखभाल गृह भी शामिल। प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया IT सेवावां वध तो वध 50% समर्था दे नाल इह काम करनगे। सनअती अदारे देहाती खेतरां 'च सनअत सेज ते बरामद अदारत इकाइयां सनअती जायदाद जरूरी वस्तां लई मनुफैक्चरिंग इकाइयां IT हार्डवेयर खाद प्रोसैसिंग इकाइयां जूट उद्योग कोल ते माइनिंग उत्पादन दे नाल तेल ते गैस रिफाइनरी। देहाती इलाकियां 'च इट्टां पट्टे उसारी गतिविधियां जिन्हां 'च सड़कां ते सिंचाई प्रोजैक्ट बिजली ऊर्जा प्रोजैक्टां नगर पालिकावां 'च निर्माण प्रोजैक्ट खेतीबाड़ी कारजां नूं इजाजत। खेतां 'च खेतीबाड़ी कारजां दी इजाजत। एजेंसियां नूं खेतीबाड़ी उत्पादां दी खरीद दी इजाजत। 4 रबड़ ते कॉफी दे बूटे लाने वध तो वध 50% कामियां नाल। पशु पालन समेत दुध उत्पादा की वंड ते विक्री पशुओं लई बाड़े आदि मशीन दीआं दुकानां दे नाल ही बेज ते खाद संबंधी सेवावां। घरेलू ते कौमांतरी हवाई उड़ाना बंद रहणगियां। सुरक्षा ते मेडिकल कारणां नूं छड़ के यात्री ट्रेनां बसां मैट्रो टैक्सी अंतरराज्जी आवाजाई बंद रहणगे। लोड़ीदियां सेवावां नूं छड़ के इस खेत्र दे घेरे 'च सख्ती नाल इस गल दा ध्यान रखिया जाएगा कि कोई बिना जांच दे आवाजाई ना होवे। सिनेमा हाल मॉल जिम बार पूल एंटरटेनमेंट पार्क सभा भवन आदि सारे समाजिक सियासी मनोरंजन खेड कंपलैक्स धार्मिक स्थान ते होर भीड़ भरे प्रोग्राम। देश विच वख वख प्रयोगशालावां 'च रोज़ाना COVID-19 परीक्षण समर्था वधाई जा रही है ते 31 मई आउंदे आउंदे रोज़ाना 1,00,000 टैसट करन 'च समर्थ हो जावांगे। अजिहा कहना है भारतीय मैडिकल खोज परिषद दा। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ने एतवार नूं कहा कि भारत की COVID-19 प्रीख्या समर्था मई के अखीर तक रोज़ाना 1,00,000 तक पहुँचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा देश में वख वख प्रयोगशालावां 'च रोज़ाना COVID-19 परीक्षण समर्था वधाई जा रही है। 31 मई तक रोज़ाना 1,00,000 परीक्षण तक पहुँचने की उम्मीद है। दसिया गया कि कुल 16 खेतरी डिपू स्थापित किए जा रहे हैं ते जनशक्ति वसीलिया ते बुनियादी ढांचे नू मजबूत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सवेरे दिल्ली के एम्स हस्पताल विच देहांत हो गया। एम्स मुताबिक सवेरे 10:45 ते CM योगी के पिता ने आखिरी सा लिया। योगी आदित्यनाथ पौड़ी विच अपने पिता आनंद सिंह बिष्ट दे संस्कार विच शामिल नहीं होंगे। CM योगी ने इस बाबत अपने परिवार नूं एक पत्र लिख के अपील की है। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए पिता जी के अंतिम संस्कार विच घट तो घट लोग शामिल हो। मां नूं संबोधित पत्र विच उन्होंने लिखा है कि पिता जी नूं श्रद्धांजलि, मैं संस्कार विच भाग नहीं लवांगा। ऐतवार नूं एयर इंडिया वालों 4 मई तो घरेलू उड़ाणा अते 1 जून तो कौमांतरी उड़ाणा की बुकिंग के ऐलान पिछों निजी एयरलाइना ने भी घरेलू उड़ाणा की बुकिंग आरंभ कर दी है।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਥਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵੋਲਵਰ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਹਤਕ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੂਬੇ 'ਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
मुख्यमंत्री ने सिविल ते पुलिस प्रशासन दे सीनियर अधिकारियों नाल मौजूदा स्थिति दा जायजा लैण उपरांत फैसला लिया। श्री मुक्तसर साहिब दे साहित्यकार उगे व्यंकार बलदेव सिंह आजाद लखेवाली दा अज देहांत हो गया। वह कुछ समय तो लीवर दे कैंसर दी नामुराद बीमारी नाल पीड़ित सन। उन्हां दा अंतिम संस्कार अज स्थानक गोनियाड़ा रोड स्थित शमशान घाट च कर दिता गया। बलदेव सिंह आजाद सिक्ख्या विभाग तो प्रिंसीपल वजो सेवा मुक्त होए सन। सरकार ने सूबे के सारे टोल प्लाजिया च टोलिंग कार्जा की मुअतली की म्याद 3 मई तक वधा दी है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री विजेंद्र सिंगला ने एतवार को एक ट्वीट राही दी है। उन्होंने अगे कहा कि 27 मार्च को पहला तालाबंदी की सीमा तय करन तक टोलिंग के काम बंद कर दिए गए सन, पर हुण टोल प्लाजा 3 मई तक बंद रहेंगे क्योंकि कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने देशव्यापी तालाबंदी भी वधा दी गई है। सिंगला ने दसिया कि इस संबंधी हुक्म लोक निर्माण विभाग वालों संबंधित 13 नूं पहला ही भेज दिए गए हैं। स्थानक सरकारां बारे मंत्री श्री ब्रह्मेंद्रा ने एक प्रेस बयान विच कहा कि जेलों नूं कोरोना वायरस के फैलाव लई अति संवेदनशील थां मनिया गया है क्योंकि कैदियों नूं एक दूजे के नाल लगदी बंद जेल विच रखा जाता है। उन्हां कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेलों को सैनिटाइज करन दा काम स्थानक सरकारां विभाग को सौंपिया है। उन्हां कहा कि विभाग ने मार्च के पहले हफ्ते जेलों की सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया सी अते हुण तक सारिया जेलों में सैनिटाइजेशन के 2 गेड़ मुकम्मल हो चुके हैं। स्थानक सरकारां बारे मंत्री ने कहा कि सूबे के शहरी खेत्रां विच कई होर गतिविधियां भी नाल नाल चल रही हैं। उन्हां कहा कि शहरां विच साफ सफाई कूड़ा चुकन रोगाणु नाशकां दा छिड़काव करन दीआं लाजमी गतिविधियां तो इलावा विभाग लोड़वंद लोकां नूं पक्या होया भोजन अते सुक्का राशन घर घर पहुँचा रहा है। अज खरड़ विच बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया है। बीते दिन करोना के वधदे मामलों नूं देखदिआं बने हुए खाने की थां सुक्के राशन वंडन बीते ऐतवार अनाज मंडी रोड खरड़ विखे देखण नूं मिलिआ, जिथे कि एक व्यक्ति कूड़े के ढेर विचों खाण लई रोटी लभ रिहा सी। जानकारी दिंदिआं भुखे प्यासियां नूं लंगर की व्यवस्था करवाउण वाले वलंटियर रोहित ने दसिआ कि बीते कल उसने उक्त व्यक्ति नूं कूड़े के ढेर विचों खाण लई कुछ लभदे होए देखिआ तां उसने वलंटियर अते बीजेपी सीनियर आगू नरिंदर राणा नाल संपर्क किया ते राणा वल्लों अपने घर तों तैयार किया गया खाणा उक्त नूं खवाया गया। इस संबंधी गलबात करदिआं नरिंदर राणा ने दसिआ कि इस व्यक्ति का नाम चंदन है जो कि यूपी बिहार का रहने वाला है अते खरड़ विखे ओवरब्रिज की उसारी लई मजदूरी कर रहा सी। ओवरब्रिज का काम बंद होने कारण वह अपने घर बिहार विखे जाने लई रेलवे स्टेशन खरड़ च कोई रेलगड्डी चलन की उड़ीक च जीवन बतीत कर रहा है। उन्हां वल्लों उक्त नूं मुड़ स्टेशन ते छड़ दिता गया है अते भरोसा दिता कि उस नूं हर रोज़ भोजन पहुँचाया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस च तैनात कंस्टेबल मुकेश कुमार बिना प्रशासन की इजाजत लई एक मुठियार नूं अपने मोटरसाइकिल ते बिठा लंघे के शनिवार नूं हिमाचल प्रदेश पुज्जा। शनिचरवार दोपहर लगभग 3 बजे सोलन वल्लों मुकेश कुमार एक मुठियार नूं मोटरसाइकिल ते लैके आया। कंडा घाट बस अड्डे ते लगे नाके नूं वेख के लड़की नूं नाके तो कुछ पिछे ही ला के मोटरसाइकिल सोलन वल मोड़ के चला गया। इस तो बाद उन्होंने मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए 3 किलोमीटर दूर जाके उक्त पुलिस मुलाजम नूं फड़ लिया। पूछ पड़ताल से पता लगा कि मुकेश चंडीगढ़ पुलिस च कॉन्स्टेबल के अहुदे से तैनात है ते लड़की नूं शिमला छड्डन जा रहा सी। मुकेश खिलाफ मामला दर्ज करके उसनों 14 दिन लई कंडा घाट च बनाए गए आइसोलेशन वार्ड च भेज दिता गया। कॉन्स्टेबल मुकेश सोलन तक जाते जिन्हें भी नाके लगे हुए सन उन्होंने वेख के लड़की नू नाके तो पहला ला दिंदा सी। जदों लड़की नाके तो लंघ जाती सी तां वह पिछों दी आ जाता सी। सूचना तो बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उसनों सस्पेंड करके उस खिलाफ विभागी जांच दे आदेश दे दिते हैं। बुलेटिन के अंत विच मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विभाग अनुसार 20 अप्रैल तो 24 अप्रैल तक देश के कई इलाकों से बारिश हो सकती है।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ च भी बारिश के गड़ेमारी का अनुमान लगाया गया है। असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा च अलग अलग थावां ते भारी बारिश की संभावना है। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन समाप्त हुंदा है। होर खबरां ते वीडियोज़ देखने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते ये बुलेटिन तुहानूं किहो जिहा लग्या सानूं कमेंट बॉक्स विच जरूर दसो। सबसक्राइब करन वेले कंठी वाला आइकन दबाउणा ना भुलना ताकि तुहानूं हर खबर मिल सके सब तो पहला। हुण सानूं दिओ इजाजत, कल फिर इसे टाइम तुहाडे लई संसार भर तों खबरां लैके फिर हाजिर होवांगे। सत श्री अकाल।